नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी आर ओ आर ओ 2021 का मेंस का जीएस के आंसर की देख लेते हैं। लेटेस्ट पैटर्न आयोग का प्लस लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर आप उस हिसाब से समझे तो भैया आयोग अब वो गुड्डू नहीं रहा जो लिबिल लिबिल करता था। अब आयोग को चाहिए पुलिज्जत। इवन करंट अफेयर के भी क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। हमारा मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। सारे के सारे मैक्सिमम जो करंट अफेयर आए हैं सारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए हैं। सारे प्रूफ आपको दिखा दिए गए हैं। देखिए जो आयोग का पैटर्न है बदल रहा है, अब वो किसी एक बुक से किसी एक मैगजीन से ऐसे नहीं हो सकता एग्जाम सिलेक्शन। इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग किस तरह से करंट अफेयर की बनानी है, चीजों को किस तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यूपीपीएससी में फैक्ट आना बंद हो गए हैं, फैक्ट आ रहे हैं लेकिन वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो लिस्टिंग वाली पीडीएफ होती है, जो कंपाइलेशन होती है पीडीएफ, इसको हम रेगुलर अपडेट करते हैं। हर दो दो तीन तीन महीने में लगातार अपडेट करते रहते हैं, तो इसीलिए ये रिलेवेंट बनी रहती है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट पैटर्न है, ये सब हम फॉलो करते हैं। देखिए सिंपल बात यह है, एक बुक से या फिर एक मैगजीन से अब नहीं निकल सकता है। जितना जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स होते हैं उसमें हम बिल्कुल मटेरियल को लेटेस्ट अपडेट करके देते हैं, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस फिलॉसफी को फॉलो करता है कि भैया हम सिर्फ आयोग के फॉलोअर हैं, बस हम सिर्फ आयोग के जो ऑफिशियल सिलेबस आता है उसके हिसाब से पूरा पैटर्न लेके चलते हैं। तो उसके हिसाब से जहां जहां से जो जो चीजें लेनी होती है बिल्कुल हम वो अपने मटेरियल में लेते भी हैं और उसको अपग्रेड भी करते हैं लगातार। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, वो भी फॉलो करते हैं। आप देखिए सारे प्रूफ हमने दिए हुए हैं फ्री टेलीग्राम वाले चैनल में, आप लोग जो है इसको जरूर फॉलो करके रखिए। अगर आप यूट्यूब में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो फ्री टेलीग्राम वाला चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आरओ आरओ की तैयारी या फिर यूपीपीएससी की तैयारी करनी तो ये वाला चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए। पेड ग्रुप में अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं, अदरवाइज सारे वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में पीडीएफ्स होती हैं मैक्सिमम पे हम वीडियो बनवा देते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी लगातार अपडेट करते हैं, उसको बार बार जो भी वीडियो आता है हम उसको चैनल पे भी डालते हैं। देखिए यूट्यूब में नोटिफिकेशन ज्यादा नहीं आ रहे हैं हमारे, इसीलिए आप टेलीग्राम पे फॉलो करते रहा करिए। और या फिर आपको कोई भी चीज अगर ढूंढनी है, मान लीजिए आरओ यारो हिंदी पापा देखना है आपको, तो आरओ यारो हिंदी पापा भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर आरओ यारो प्लेलिस्ट भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर यूपीपीएससी पीसीएस 2022 जो है यूपीपीएससी 2022 प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस तरह से आप मटेरियल खोज सकते हैं। पेड ग्रुप में अगर आप रहते हैं तो पीडीएफ अपडेटेड मिलती है, हमारी सारी पीडीएफ बिल्कुल अपडेट करा देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी स्टेशनरी और ये लोग जो है हमारा मटेरियल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत तेजी से अपडेट करते हैं, हम पीडीएफ ही बदल देते हैं, हम पूरा अपडेट कर देते हैं। जब तक उसका प्रिंट आएगा, अगर मान लीजिए वैसे तो हमारा वो है ही नहीं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन अगर वो आता भी है तो हम चीजों को अपडेट करके वो पेड में ही मिल पाता है, या फिर उसका जो भी अपडेट है वो फ्री जो टेलीग्राम है उसमें देते हैं और सारे वीडियो फ्री रखते हैं। देखिए जो आजकल करंट अफेयर का पैटर्न है ये बदल रहा है, अब ये उस तरह से नहीं आएगा कि बस वन लाइनर पढ़ लो, उसमें समझना पड़ेगा चीजें, कोई समिट हुई है तो कहाँ हुई है, उसका मेन थीम क्या था, उसमें कोई चीज अगर कोई आउटकम आया है तो क्या था, कोई उससे उसमें वो किस पर्पस से किया गया है, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं। तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझना पड़ेगा, ये सारा कुछ जितना जरूरी है। देखिए ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम का है, आपका काम सिंपल, या तो आप पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, सारे आयोगों के पैटर्न फॉलो करो, पेपर जो है फॉलो करो, पूरा गवर्नमेंट का डेटा हर जगह से पीआईबी से जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो सब फॉलो करो, उसके साथ करो, इतना करोगे तो फिर तैयारी कब करोगे। हमारी पूरी टीम दिन रात इसीलिए काम करती है कि जितना आपके लिए जरूरी है यूपीपीएससी के एग्जाम्स को निकालने के लिए सिर्फ उतना देते हैं। अब आप चलिए ये की देख लीजिए और अपना जो है आगे भी अगर आप तैयारी करते रहते हैं तो फिर हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो कर लीजिए, बस फ्री पेड सारे इनिशिएटिव चलाते हैं। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन रखिएगा और प्लस बताइए कितने आपके इस वाले की से नंबर कितने आ रहे हैं। ये 2021 का पेपर है, 24 अप्रैल को हुआ है, जीएस का पेपर है, ये पूरी आंसर की इसमें दी गई है और सारे जो प्रूफ वूफ है सारे मैंने टेलीग्राम में डाले, मैं दिखा दे रहा हूँ। किसी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट आते हैं यहीं पे। ये वाले हमारे नंबर हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा है, ये दो दो इसमें देख सकते हैं आप, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए करंट अफेयर की। और ये हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है, तो डायरेक्टली जो पूछा गया है वही रिक्वायरमेंट पूरी की है, आप आगे भी देख सकते हैं। देखिए ये पूछा गया है ये कहाँ के हैं, और देखो हमने साफ साफ लिखा हुआ है यूएई के हैं ये। ये देखो हमारे जो मटेरियल में उतना ही चीज मिलेगी जितना आपका जो है पढ़ने के लिए जरूरी है। ये देखिए ये है और इसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने कई बार बोला कि हमारे करंट अफेयर में कई बार जैसे हम लोग मान लीजिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट देते हैं
तो उसके सिर्फ स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये इतना भी अगर आपने पढ़ा होता तो आराम से हो जाता कि नहीं हो जाता। इसी तरह से आप इस वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। देखिए ये वाली पूरी लिस्ट ही लग रहा है कि यहाँ से लिस्टिंग से ही क्वेश्चन बनाया गया है डायरेक्टली। देख रहे हैं आप, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट है ये। आप देखिए ये इसमें जो लिखा, देखिए जितना यहाँ पे जरूरी है छोटे राज्यों की स्टडी में, देखो ये लिखा है। हम सिर्फ जो है फोकस करते हैं सिर्फ आपके सिलेक्शन में, कंटेंट में है हमारा फोकस। ये देखिए जिस तरह से लिखा है उसी तरह से हमने दिया हुआ है। इसीलिए देखिए सिंपल बात यह है कि हमारा ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं है, जितना हम देखिए हमारा सिर्फ फोकस है सीरियस एस्पिरेंट्स को जो है टारगेट करना, ताकि वो लोग का सिलेक्शन कराया जा सके। बस हम कंटेंट और ट्रस्ट पे ही चलते हैं और हम फॉलो करते हैं सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे मैक्सिमम हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। देखिए ये जितने भी आए क्वेश्चन हम हमारा कंटेंट है उसी तरह से बनाते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आ जाया है, इसी तरह से हम करते हैं। देखो ये देखो ये हमारा कंटेंट है, ये आ जाया है। सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं ये कहीं नहीं मिलेगा ये वाला इंस्टीट्यूट, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में मिलेगा। और हम लगातार बदलते रहते हैं जो जिस तरह से पैटर्न चल रहा है। ये देखो तीन ये नाम लिखे हैं, तीन तीनों के अलावा आया है। देख रहे हैं आप, ये प्री पिक्स जो हम देते रहते हैं इसकी कंपाइलेशन सब पेड को में मिलती है। देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये सारे सारे जो है हमने जिस तरह से, देखो ये 2008 है, देख लो ये देखो राष्ट्रीय कार्य योजना, ये देखो ये इस तरह, ये देखो ये लग रहा है ये चारों उठा के यहाँ से ले लिए गए कि नहीं। देखो ये चार और ये चार मिला लो, ये हमारा कंटेंट है। ये जो है आयोग का पेपर है आज का। इसी तरह से आप देख सकते हैं भैया बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम। तो फाइनली अब ये जब क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा लगता है, स्टूडेंट का अभी सिलेक्शन होगा, कई सारे होगा, ओए मजा आ जाएगी। ऐसे कई सारी हमने पिक दिए, लगातार हमने प्रूफ दिए हुए, आप देख सकते हैं। देखो जितना यहाँ लिखा हुआ है उतना ही यहाँ पे हमने भी लिखा हुआ है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बहुत कम पेजेस कर दिए हैं। ये देखो जिस तरह से लगातार हमने यहाँ पे प्रूफ दिए हैं भैया, देख लो आप सिलेक्शन लेना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो कर सकते हैं आप। देखो ISFR की रिपोर्ट थी, पीड को मैं PDF दे दी गई, अभी वीडियो नहीं बना है लेकिन ये आया उसी से है, ये देख लीजिए आप पूरा, ठीक है। लगातार हमने सारे प्रूफ दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे से ही आए हैं।